राजस्थान में मौसम के साथ साथ सियासी पारा भी गर्मा रहा है। लोकसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही कांग्रेस, भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों से जुड़ी राजनीतिक हलचलें रफ्तार पकड़ रही है। इसी क्रम में भाजपा के टॉप टू स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राजस्थान में सक्रिय हो गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय प्रदेश प्रवास खत्म करके दिल्ली लौटने के कुछ ही घंटों के बाद नरेंद्र मोदी की एंट्री होने जा रही है। प्रधानमंत्री अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की कोटपुतली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने पिछले वर्ष के आखिरी में विधानसभा चुनाव में बहुमत जीत के साथ राजस्थान में कमल खिलाया है। डबल इंजन सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री वैसे तो जनवरी माह में प्रदेश दौरे पर जयपुर आ चुके हैं, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के साथ उनका ये दौरा राजनीतिक नहीं था। झालावाड़ से खबर, जहां राजस्थान शुद्ध आहार मिलकर मिलावट परिवार अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा दल द्वारा असनावर कस्बे में आधा दर्जन दुकानों का निर्देशन करते हुए विभिन्न खाद्य पदार्थों के 6 नमूने लिए। अभी अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद साजिद ने बताया कि उक्त नमूनों की जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा भेजा जाएगा, जहाँ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सिरोही से खबर, जहां क्षेत्र में शीतला माता का त्यौहार सोमवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महोत्सव को लेकर माता के मंदिरों को विशेष सजाया गया। मंदिर में महिलाओं ने शुभ मुहूर्त में विशेष पूजा अर्चना कर बासुड़ों का भोग लगाकर सुख समृद्धि की मन्नत मांगी। मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। सूरतगढ़ से खबर, जहां श्री गंगानगर लोकसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान आज सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने पहुंची। मानकसर चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैलान का स्वागत किया। बैलान ने रामनाथन कुटिया पहुंचकर दर्शन किए और खेजड़ी मंदिर व श्री बालाजी रामलीला संस्थान भाजपा में स्वागत किया। सूरतगढ़ से खबर, जहां राजियासर थाना क्षेत्र के 3 आरजीएम की रोही के खेत में बने छप्पर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 3 पशुओं की मौत हो गई। 3 अन्य पशु आग से झुलस गए। आग से कुछ घरेलू सामान भी जलकर राख हो गया। सूचना पाकर राजियासर पुलिस भी मौके पर पहुंची। राजस्थान समृद्ध विरासत है।